राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने हमला किया है। हिंदू हिंदुत्व से नफरत करने वाले हारेंगे, 10 मार्च तक भारत लौट आएंगे क्या राहुल? राहुल ने लिखा था नफरत को हराने का ये सही मौका है। अब उसी के ऊपर जवाब देते हुए संबित पात्रा ने ट्वीट किया है और पूछा है उनसे कि क्या 10 तारीख तक, मतलब नतीजे जिस दिन आएंगे 5 राज्यों के, उस दिन तक क्या भारत लौट आएंगे राहुल? फिलहाल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इटली राहुल गांधी गए हुए हैं, ऐसी खबरें थी। अब संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के नफरत जो करने वाले लोग हैं वो हारेंगे। राहुल गांधी ने नफरत को हराने का सही मौका है ये कहकर के एक ट्वीट किया था, लोगों से अपील की थी कि नफरत को हराने का यह सही वक्त है। अब उसी के ऊपर संबित पात्रा का ये जवाब सामने आया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर अब पलटवार संबित पात्रा का सामने आ चुका है और दावे के साथ संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को विदाई अब तय है विरोधियों की और इसके अलावा अभी जनवरी चल रहा है, 10 मार्च को चुनावी नतीजे 5 राज्यों के आने। संबित पात्रा पूछ रहे हैं कि क्या तब तक राहुल गांधी देश वापस लौट आएंगे, भारत वापस लौट आएंगे क्या तब तक राहुल गांधी? और चलिए उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कल से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी के नेता मिलने वाले हैं। 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी, योजनाओं का लाभ पाए, लोगों से मुलाकात करने वाले हैं ये लोग। जो सरकारी योजनाएं अभी तक चली हैं उनका लाभ जिन लोगों तक पहुंचा है उनसे मुलाकात करने की भी यह योजना है। और मेरे सहयोगी मकसूद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं सीधा रुख कर लेती हूं। मकसूद, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है, 5 लोग घर घर जाकर कैंपेन कर सकते हैं ये चुनाव आयोग ने कहा था, अब 5-5 सदस्यों की टीम बन चुकी है, कल से अभियान शुरू। बिल्कुल, देखिए ये जरूरी भी है, बीजेपी को अगर चुनाव तैयारियों को लेकर हम बात करें तो जब 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश और ऐसे तमाम राज्य जहां पर कि आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने थे उसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी थी। देखिए बीजेपी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को लेकर आप जिम्मेदारी इसी से समझ सकते हैं कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के अलावा 15 प्रमुख तक बनाए जाते हैं बीजेपी में और ये डोर टू डोर कैंपेन अब चूंकि इसकी इजाजत भी है, ऐसे में 5-5 लोगों की अब टीम बनाई जा रही है। ये तमाम जो लोग हैं वो घर घर जाएंगे अपनी जिम्मेदारियां क्या कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काम किया है उस काम को जनता के बीच में लेकर जाएं और इसी के आधार पर वोट मांगे और 5 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का काम और करीब 7 से लेकर 8 सालों का केंद्र सरकार का काम और इसी काम को लोगों के बीच में पहुंचाना है। तो आपको देखें किसी भी पार्टी की जीत तब तय होती है जब उसका कैडर उसका कार्यकर्ता मजबूत हो और बीजेपी की जो सदस्यता अभियान जब चलाया गया था तो इन आंकड़ों से ही साफ हो जाता है कि बीजेपी इस वक्त सदस्यों के मामले में और कार्यकर्ताओं के मामले में देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में 2022 में अगर बीजेपी चुनाव जीतना है तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उन्हें तैयार करना है पूरी तरह से क्योंकि 2022 के बाद फिर तैयारी 2024 की होगी। तुषार भी जुड़ गए मकसूद, उनका भी रुख कर लेती हूँ। तुषार, बीजेपी का कल से जनसंपर्क अभियान शुरू है, बाकी दलों की क्या तैयारी है, ग्राउंड जीरो पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो बीजेपी डिजिटल तरीके से अब चुनाव प्रचार करने जा रही है, आचार संहिता लग चुकी है, रोक लगी हुई है तमाम चुनाव प्रचार के तरीकों को लेके। अब जनसंपर्क कल से शुरू करेगी बीजेपी, घर घर जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, अपने कामों के बारे में बताएगी, अपने द्वारा कोविड काल में किए गए कार्यों को बताएगी। वहीं समाजवादी पार्टी भी अब डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने घर घर अभियान अपना शुरू कर दिया है, घर घर जाकर वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो अभियान है उनका, उसको वो डिजिटली अब करने लगी हैं क्योंकि मैं जिस तरीके से बरेली में हादसा हुआ था लड़कियों के साथ उसके बाद से
उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग का रेगुलेशन आ गया और चुनाव आयोग ने साफ तौर पे जितनी भी रैलियां थी, जो फिजिकली रैलियां थी, उन सब पे रोक लगा दी 15 जनवरी तक। तो अब बीजेपी ने अपना जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, समाजवादी पार्टी भी जनसंपर्क अभियान करने जा रही है, साथ ही कांग्रेस भी अब घर घर जाएगी, घर घर अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताएगी, लड़कियों के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताएगी। क्योंकि देखिए, जब प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से वो लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो लड़कियों को और महिलाओं को अपने पाले में लाया जाए, उनके वोटरों को साधा जाए। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने आते ही सबसे पहले महिला मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया लड़कियों के लिए जहां भी जाती है। आगे घोषणा और अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तुषार, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। देखिए, 8 दिन के बाद ही भगवान परशुराम का फरसा गिरकर टूट गया। ये वही फरसा है जिसका अनावरण अखिलेश यादव ने किया था। बड़ी खबर, लखनऊ के गोसाईगंज में 2 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर और 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण किया था। अब बड़ी खबर ये है कि फरसा टूटकर गिर चुका है, स्थिति क्या है? तुषार का मैं रुख कर लेती हूं। तुषार भाई, आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल वहीं मौजूद हूं जहां पर यह फरसा लगा था। 8 दिन बाद यह फरसा गिरकर टूट गया, बिखर गया है। ये वो जगह है जहां पर यह फरसा लगा था और ये वो मंदिर है जिसका अखिलेश यादव ने इस मंदिर का अनावरण किया था। इसी जगह पर यह फरसा लगाया गया था। आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये जो फरसा है, ये इसी खंभे में ये 68 फीट ऊंचा ये फरसा लगाया गया था, जिसको यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिखाने के लिए। लेकिन अब वो फरसा गिर गया है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। खुद मैं बताऊं तो लंबुआ से पूर्व विधायक हैं संतोष पांडे, जो इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं, और उन्होंने यहाँ पे परशुराम की मूर्ति बनवाई थी। साथ ही ये 68 फीट ऊंचा ऊंचे यहाँ पे फरसे को लगाया गया था, जिससे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हाँ। ये देखिए सामने मैं दिखाऊं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है। और ये पूर्वांचल आसपास क्या वहाँ पर कुछ लोग या नेता मौजूद हैं जिनसे आपकी बात हो सकती है अभी? बिल्कुल, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन्होंने ही इस फरसे को यहाँ पर लगाया था। हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप लोग बताइए ये जो फरसा गिरा है कैसे गिरा, आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था? मैं मौजूद नहीं था भैया, वैसे कल मैं सवेरे आया था तो क्रेन आई थी तो वो पट्टा लगा हुआ था उसमें। कैसे गिरा ये फरसा, कुछ ये हमें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे तमाम संतोष पांडे खुद मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, इन्होंने ही इस फरसे को लगाया था। उनसे हम पूछेंगे, कुछ बाइट दे रहे हैं वो, और भी लोग हैं जो उनके साथ उस दिन मौजूद थे। सर, आप यहाँ पे मौजूद थे जब ये फरसा लगा था, कैसे गिरा है ये फरसा? गिरा नहीं है बेसिकली, इस फरसे में क्या था कि इसकी रिपेयरिंग होनी थी, इसमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बनने थे। आइए, अगर आप इधर आ सके तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। और इसमें एक केबल के थ्रू यहाँ पर पूरी LED ऊपर तक जानी थी, ये फनल जोन है चूंकि, और ऊपर हम लोग चाहते थे कि इसमें एक फ्लैश लाइट लगे जिससे कि ऊपर से जहाज कभी उस पे ना आके टकराए या किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना घटे। तो उस दिन यहाँ पर क्रेन आई है, नीचे देखें आप, क्रेन आई है, क्रेन से आने के बाद इस पे पट्टा लगा के इस फरसे के पोल को टेढ़ा किया गया है, इसको टेढ़ा किया गया है, ये बोल्ट खोला गया। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि संतोष पांडे हैं पूर्व विधायक जिन्होंने लगवाया था, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये कैसे गिरा फरसा? अब इस पर राजनीति हो रही है, बीजेपी कह रही है कि चुनावी जो हिंदू थे उसमें इस फरसे में भ्रष्टाचार की गई। देखिए, ये हमने अपनी कमाई से बनाया था फरसा, इसमें भ्रष्टाचार का तो कोई सवाल उठता नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि ये फरसा गिरा है, टेक्निकल केवल फॉल्ट थी, इसको हम उतरवा के इसमें LED जो इसकी सुंदरता बढ़ाना चाह रहे थे, भव्यता बढ़ाना चाह रहे थे। अगर ये फरसा गिरा होता तो ये पूरा बेस भी चला जाता, बेस पूरा सुरक्षित। आप देख रहे हैं, ये नट देख रहे हैं आप, सीधा है। ये लाइट का हमने जो इसमें कराया है प्रावधान, उसके लिए पाइप पड़ी हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो ये IT सेल के लोग हैं, ये केवल विवाद खड़ा करना जानते हैं, अच्छे कामों में भी इनको
केवल खुराफात नजर आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कि भगवान परशुराम जी के प्रति अगर इनका ही इतना प्रेम है तो भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की छुट्टी क्यों खत्म किया इन्होंने? और ऐसे ही नहीं, इन्होंने तो भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिया। हाँ। और जब हमने भगवान परशुराम जी की बात फर्से की हो रही है, ठीक है तुषार, तुषार आगे हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए लखनऊ में भगवान परशुराम का फरसा टूटने का ये जो पूरा मामला है, अखिलेश यादव पर बीजेपी ने अब हमला बोला है। चुनावी हिंदुओं ने भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया। बीजेपी ये कह रही है जो भगवान की मूर्ति नहीं बना सकते वो प्रदेश क्या बनवाएंगे। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीधा निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा जब भगवान परशुराम की मूर्ति में भी मिलावट और भ्रष्टाचार करने का काम किया, मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भगवान परशुराम का आज प्रयोग करने का काम कर रही है। जो भगवानों की जाति देखते हो, जो भगवानों का चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेंगे और जनता जनार्दन भी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का ये भ्रष्टाचार अब सबके सामने उजागर हो। और एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेसी नेता इमरान मसूद, ये अहम खबर सहारनपुर में अपने समर्थकों के सामने ऐलान किया है उन्होंने। समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी, बड़ी खबर। हालांकि इशारा पहले ही मिल चुका था, कांग्रेसी नेता इमरान मसूद अब आज ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे समाजवादी पार्टी में। सहारनपुर में समर्थक जो उनके हैं वो भी साथ ही पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे इमरान मसूद। इसके पहले अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई थी इमरान मसूद की और कयास पहले से ही लगाए जाने शुरू हो चुके थे, सुबुगाहट शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस को इससे कितना नुकसान, इस बारे में भी मंथन हुआ था। अब बड़ी बात यह है कि आज ऐलान इस बात का कि कांग्रेसी नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के हो गए। न सिर्फ इमरान मसूद अकेले, उनके समर्थक भी उनके साथ रहेंगे और संभवतः कांग्रेस के अभी तक कई साथी जो रह चुके हैं वो इमरान मसूद के साथ साथ समाजवादी पार्टी में शामिल आज हो जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी की साइकिल पर चढ़ते इमरान मसूद आपको दिखाई देंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। इस बार 80% बनाम 20% का चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, कोई गलत फहमी बना रहे, 80% हमारे साथ है और 20% जो विरोध करते रहे वो आगे भी करते रहेंगे। गर्दन काट कर मैं रख दूं तब भी यकीन नहीं करेंगे, मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं है। हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। फहमी के शिकार हैं और आंकड़ों अंक गणतीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी गलत फहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। विकास सबका किया लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं किया, और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो ये कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही, मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था ना आगे उसको करना है और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। और उधर देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी के 80-20% वाले बयान के ऊपर अब नकवी ने जवाब दिया है। सीएम योगी ने
80 वर्सेस 20 की बात जो कही है उसमें कुछ गलत नहीं कहा है? उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए केंद्र मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा है कि 80 बनाम 20 का होगा ये उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए, समावेशी विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उनके सशक्तिकरण को लेकर काम किया, बिना भेदभाव के किया है। लेकिन अगर कहीं पर पॉलिटिकल प्रेजुडिस है, कहीं राजनीतिक पूर्वाग्रह है, तो वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए आज भी हमारा मुद्दा विकास है, हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश को जिस तरह से दंगों से, दबंगों से और बलवाइयों से हमने मुक्त कराया है, वो मुद्दा है और उस मुद्दे को हम लेकर के लोगों के बीच में हैं। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को कभी भी योगी और मोदी पसंद नहीं आएंगे, अगर मैं अपना गला काट कर भी उनके सामने रख दूं तो वो भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, तो उनको उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने तो गलत नहीं कहा, जो कहा वो सही कहा। कौन ऐसे लोग हैं सर जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से दुनिया में ताकतें हैं, जो ताकतें कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो आतंकवाद के खिलाफ है, हर व्यक्ति के खिलाफ है जो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के खिलाफ है जो देश के एकता और देश के सौहार्द के लिए काम करता है। सर, योगी आदित्यनाथ के इस बयान से फिर जो विरोधी हैं वो, उनको मौका मिल जाएगा, वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों की राजनीति करती है? उनको तो हमेशा ही मौका है, उनको तो है वो चिक चिक करने का, बयान बहादुरी करने का, बकवास बहादुरी करने का हर समय मौका है। अब तो चुनाव का मौका तो बहुत उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद मौका है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सारे जनसभाओं पर रोक लगा दी है और कहा है कि डिजिटल होगा। अब इसको लेकर भी जो समाजवादी पार्टी है या तमाम जो भी विरोधी दल है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो डिजिटली मजबूत है। हमें देखिए क्या है कि पहली बात यह है कि जो भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के हैं सबको मानना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू जो है वो हम डिजिटली भी मजबूत हैं, फिजिकली भी मजबूत हैं, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए चिंता ना करें वो। और चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।